दिस स्टोरी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल कैरेक्टर्स और इनके जीवित जो लोग हैं उनसे संबंध है इसका। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि काल्पनिक का इसका कोई संबंध नहीं है जीवित या मृत आदमी से, इसका पूरा पूरा संबंध है जीवित लड़के से। आपका एक पार्ट 11th का बर्बाद हुआ, आपने हाहाकार मचा दिया, जहां भी जा रहे हो जिससे भी मिल रहे हो 11th बर्बाद है, जेई क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक बच्चे की मैं आपको कहानी सुनाता हूं, ध्यान सुनना। और अभी मेरे को 5 मार्च को वो मिला था, 5 मार्च फ्राइडे एम्स हॉस्पिटल में मेरी उससे मुलाकात हुई, ध्यान सुनना। कुछ दिनों से जो पुराने अर्जुना के हैं वो शायद जानते हो, वाइफ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मुझे एम्स जाना पड़ता है रेगुलरली, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है सर, वाइफ को क्या हुआ है या मैम को क्या हुआ है, उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। हाँ, द गुड थिंग इज कि मैम अब ठीक है, रिकवर हो रही है, ठीक है, वो पार्ट नहीं है। बट हाँ, मुझे वाइफ को लेकर एम्स जाना पड़ता है रेगुलरली, मतलब 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में बार बार जाना पड़ता है। तो जब एम्स में जाते हैं तो वहां पे एंटर करने के बाद में आप सभी एक बराबर हो, वहां पे लंबी लाइन लगती है, जिस डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट है उसके बाहर आप खड़े रहते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों उस लाइन में लगे हुए थे, काफी वेट करना पड़ता है, बहुत भीड़ होती है, तो लगे हुए थे। मेरे जस्ट पीछे एक लड़का खड़ा था, ठीक है, और वो लड़के ने क्या किया, मतलब काफी देर बाद में उसने मुझे नोटिस किया होगा, मैं घूमा क्योंकि लाइन में काफी देर से खड़े हुए, 1-1.5 घंटा हो गया, तो आप ऐसे तो यानी सीधा खड़े रह सकते, मैं थोड़ा घूमा। उसने मुझे देखते, अरे सचिन सर, मैं कहा हाँ बेटा, पहले तो पैर छुए। उसके हाथ में भी फाइल थी, आपको अपनी अपनी फाइल लेके खड़ी रहने पड़ते कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन क्या है वो आपको दिखाना होता है सारा, क्या आपका इलाज चल रहा है। तो फिर उससे बात हुई, पहले उसने पूछा सर आप कैसे, फिर मैंने बताया कि वाइफ की थोड़ी तबीयत नहीं थी, अब रिकवर हो रही है। बोले अच्छा, रेगुलर चेकअप के लिए आया। फिर उससे पूछा मैं, कहा तू यहाँ कैसे, बोले कि सर मैं भी रेगुलर चेकअप के लिए आया। मैंने कहा क्या हुआ ये बता। फिर मैंने कहा तू मुझे कैसे जानता है, कौन से, कोई एक जनरल स्टूडेंट होता ना, एक जनरल सवाल हम पूछते हैं कि कौन से बैच में था बेटा, अर्जुना में था कि लक्ष्य में था। बोले कि सर मैं अर्जुना का स्टूडेंट हूँ, अर्जुना 2.0 का है ना, और मैं, मेरा मेन एम ITJEE नहीं है सर, मेरा मेन एम NDA क्वालिफाई करना है, मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है। बड़ा NDA में मैथमेटिक्स आती है तो वो मैथ्स में आपसे पढ़ता था, मेरा बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ। बोले सर कुछ नहीं, मैथ्स का मेरा, सॉरी NDA का मेरा जो रिटर्न पेपर है वो क्वालिफाई हो गया था, अब फिजिकल का राउंड था, ठीक है, फिजिकल का राउंड होता है जिसमें SSB में जाने से पहले, आई बिलीव ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, SSB में जाने से पहले एक फिजिकल का राउंड होता है। तो बोले सर उस राउंड की प्रिपरेशन मैं बहुत अच्छे से कर रहा था, मेरा NDA क्वालिफाई हो गया था, रिटर्न क्वालिफाई हो गया था। तो बोले वही शाम को रोज दौड़ लगानी, बिकॉज वो भगवा के देखते हैं, भागो भैया, ठीक है, हाइट मैच करवानी और वो सब, फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बोले सर मैं वही कर रहा था, अपनी फिजिकल की ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी चल रही थी। तो एक दिन बोले दौड़ लगाकर मैं बैठा, पसीना वसीना सूख गया, तो पानी पीने के लिए मैंने गिलास उठाया और गिलास ज्यादा भारी तो था नहीं, पानी जितना, मतलब गिलास में पानी डालोगे जितना भार होता है उतना ही भार था। बोले सर वो गिलास मेरे हाथ से छूट गया। वो पहला इंसिडेंस था जहां पर मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, मतलब ये वो स्टोरी बता रहा है ये सब होने के बाद में। तो मुझे लगा सर हाथ से छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दूसरे हाथ से गिलास उठाया, पानी पी गया, अपना दौड़ भाग में चलता रहा। अगले दिन मैं महसूस कर पा रहा था, वो लड़का बोल रहा है कि जब मुझे फिजिकल के लिए वापस अपने दौड़ लगाने के लिए ग्राउंड में जाना था तो मैं अपने एक राइट हैंड से जो जूते के जो फीते हैं वो बंद नहीं कर पा रहा, मतलब ये इस हाथ की ग्रिप धीरे धीरे जाने लगी थी। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल सी बातें होती है। ठीक है, मैं तुम्हें बोलूं मुट्ठी बंद करने के लिए, आप और मैं बहुत आसानी से कर लेंगे, बट किसी के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि उससे मुट्ठी बंद नहीं होती, मतलब उसके हाथ की ग्रिप खत्म हो गई। फिर बोले सर इसी में ही 2-3 दिन बीते, पेरेंट्स को थोड़ा बताया कि साथ में थोड़ा महसूस नहीं हो रहा, तो ये तो नॉर्मल है, अगर आप किसी को भी बताओगे तो नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, नॉर्मल डॉक्टर नॉर्मल इलाज और नॉर्मल सी बातें बोलकर आपको मोटिवेट कर ठीक करने की कोशिश करेंगे। बोले सर 2-3 दिन बीते, मैंने अपना दौड़ना बंद नहीं किया बिकॉज हमारा जो है वो फिजिकल का राउंड पास आ रहा था। बोले एक दिन मैं टी शर्ट उतारा था, ठीक है, टी शर्ट मतलब शायद वो चेंज कर रहा होगा या जो भी कर रहा होगा, पसीने वसीने से बदल रहा होगा। बोले मैं टी शर्ट उतारा था तो मेरे दोनों घुटने अपने आप मुड़ गए, मतलब खड़ा हो गए, वो टी शर्ट चेंज कर रहा था तो बोले मैं धड़ाम से गिरा सर। ठीक है, धीरे 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 करते करते इन टुकड़ों, टाइम के टुकड़ों में उसकी बॉडी पूरी की पूरी पैरालाइज हो गई, मतलब अच्छा खासा 19-20 साल का लड़का, हाँ, घूमता घामता दौड़ लगाता हुआ धीरे धीरे विदिन, बोले सर 1 हफ्ता या 8 या 9 दिन लगे होंगे, मैं पूरा कंप्लीटली बेड पे था, जिसमें अब क्या हालत थी, वो हाथ की ग्रिप लूज होने से अब सिर्फ मेरी आंखों की जो पुतलियां होती है सिर्फ वो ब्लिंक कर रही थी, ना मैं बोल सकता था, ना मेरा हाथ उठ रहा था, ना मेरे उंगलियां हिल रही थी, ना मेरा पैर हिल रहा, मैं कंप्लीटली बेड पे लेटा हुआ था। ये उस लड़के ने बताया अपनी कहानी 8 या 9 दिन में, खेल फटाफट, वो जो होते ना इवेंट्स इतने बार बार रिकरेंस में आ गई कि कभी हाथ की ग्रिप जा रही है, कभी बोले सर गर्दन अपने आप ये जो होती है ना गर्दन, आपको नहीं पता चल रहा आपकी गर्दन संभाल रखी है आपके ब्रेन ने या स्पाइन ने,
जब वो कनेक्शन वहां से लूज होगा तो ये गर्दन गिर जाएगी, आपकी हाथ की ग्रिप। बोले सर 8 या 9 दिन में पूरा बेड पे था, और आसपास घर वाले जो बोल रहे थे वो मुझे सुनाई दे सकते थे, बट मैं उनको बोल के रिप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ पुतलियां झपका रहा हूं, उसी से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये कहानी शुरू हुई। अब इसके बाद में पेरेंट्स को ये नहीं समझ में आया कि ये बीमारी कौन सी। तो वो बोले सर पहले तो उस गांव में जितने डॉक्टर थे, फिर पास में नजदीक में जो शहर पड़ता है उसमें जितने डॉक्टर्स थे, सुनते जाना आराम आराम से, और फिर पूरे उसके जिले में या पूरे स्टेट में जितने डॉक्टर्स थे सबको दिखाया, और इस पूरे प्रोसेस में 7-8-9 महीने लगे, या 4-5-6 महीने लगे। 6 महीने जाकर किसी ने बताया कि भैया एम्स में इलाज होगा, इसलिए आप एम्स ले। एम्स में जाते ही आपको अपॉइंटमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलता आपको, ठीक है, अपॉइंटमेंट आप अभी जाकर खुदा ना खास्ता भगवान करे आपको कभी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, बट अगर कभी लेना पड़ा तो ऐसा नहीं होता कि सर कल मुझे उस डॉक्टर को दिखाना तो कल का मिलता है, जाके उस लाइन में खड़े हो गए ना तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया 4 महीने बाद 3 महीने बाद। तो वो बोल रहा था लकीली मुझे 1.5 महीने बाद में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया। डॉक्टर को आकर बीमारी दिखाई, डॉक्टर को बीमारी समझ में आई, उन्होंने इलाज चलाया जो बीमारी थी उसका। सर धीरे 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 मेरी मूवमेंट वापस से आनी स्टार्ट हुई, मैं जो वह है चलने फिरने में मुझे वापस से दर्द होना स्टार्ट हुआ। अब मेरे लिए चलना, गिलास पकड़ना, ठीक है, ग्रिप बनाना, ये अब आम काम नहीं रहे थे मेरे लिए, बहुत मुश्किल वाले काम हो गए थे। मैंने कहा ये पूरा कितने प्रोसेस, कितने महीने का टेन्योर है, मतलब कि तेरे साथ ये बीमारी हुई, तूने ये झेला, फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर तूने डॉक्टर ढूंढे, फिर तू एम्स में आया और फिर तेरा इलाज हुआ। बोले सर करीबन करीबन ये आप मान के चलो कि 8 से लेकर 9 महीना, मतलब करीबन करीबन आप 1 साल मान सकते हो। 1 साल तक तो मैं बीमारी में ही था, उसके बाद में सर दवाइयों की मदद से मैं रिकवर होना स्टार्ट हुआ, और सर मैं रिकवर हो के अब मेरी हालत ये है। फिर मैं पहले वही उधर बेड से पहले बैठने पे आए, बैठने से फिर चलने पर आए, चलने से फिर थोड़ा थोड़ा हिलने डुलने पर आए, हिलने डुलने पे जब वो लड़का मेरे पीछे खड़े होकर मुझे स्टोरी सुना रहा था तब वो एकदम फिट एंड फाइन था। मैं कहा अब तो यार बहुत सही लग रहा है। बोले सर वापस, मैंने कहा अब क्या है। और एक और मजे की बात, जो एटीट्यूड उससे मैंने उस दिन सीखा, ये पूरी कहानी बताते वक्त कहीं पर भी चेहरे पे कोई उदासीन नहीं था, मतलब कि अगर आप उसको नॉर्मली दिखा दो तुम्हें सामने लाके तो तुम बता ही नहीं पाओगे कि किस चीज से गुजर क्या है, एकदम खुश होकर बता रहा था। या तो बता नहीं उससे मिलने की एक्साइटमेंट थी, या फिर शायद उसकी वो बॉडी लैंग्वेज थी, या फिर वो देख चुका था कि क्या क्या समस्याएं आती है और कैसे समस्याओं को हराया जाता है। एकदम खुश होकर बोले सर ये हुआ, ऐसे ऐसे किया। मैंने कहा अब क्या है। बोले सर अब मैं ठीक हूं। मैंने कहा फिर यहां क्यों आया हुआ है। बोले सर रेगुलर चेकअप के लिए, दिखाना पड़ता है ना कि बॉडी में कि मैं सही डायरेक्शन में रिकवर कर रहा हूं कि नहीं, कहीं कुछ ज्यादा गड़बड़ तो नहीं होती। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गया, वो एनडीए बनने वाला है, वो जो तुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, एनडीए क्वालीफाई करना है उसका सपना। बोले सर फिर भर दिया पाऊं, फिर तैयार हूं। मैं कहा आजकल क्या करता है। बोले सर फिर ग्राउंड में उतरा हूं और फिर दौड़ लगा रहा हूं। मैं कहा हां, मैं तो बॉडी बॉडी भी अच्छी बना रखी, अच्छी खासी बॉडी बना रखी। बोले हां सर पिछले 1 महीने से जम के बॉडी जिम कर रहा हूं। मैंने तेरा मोरल डाउन नहीं हुआ, तेरे को मतलब 0 से उठाकर भगवान ने पीछे खदेड़ दिया सबसे आगे, तेरा पेपर आने वाला था, तेरी फिजिकल फिटनेस सही थी। बोले सर उसमें क्या है, शायद भगवान को चेक करना चाह रहा होगा। बोले अब फिर आ गया हूं बराबर, इस बार फिर एनडीए दूंगा और फिर फोड़ दूंगा। और तुम किस बात से परेशान हो। सर मेरा 11th बर्बाद हो गया, क्या मैं जेईई क्वालिफाई कर सकता हूं। ठीक है ना, आई बिलीव उस लड़के की फोटो मेरे पास हो तो मैं आपको दिखाऊं जरूर। जरूर है, क्योंकि बाहर निकलते वक्त मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई 1 सेकंड रुकना, एक फोटो मुझे तेरे साथ खिंचवानी है। बोले सर क्या हुआ। मैं कहा नहीं, ये जो तेरे से बातें करके जो मेरे में पॉजिटिविटी आई है, आई होप आप देख सकते हैं, 1 सेकंड देख पा रहे हो, ये जो पीछे लड़का खड़ा है ये मैं हूं, ये पीछे लड़का खड़ा है ये वाइफ है। अब धुंधला इसलिए आ रहा है बिकॉज वो फोकस में नहीं है ना, ये है वो। 5 मार्च की बात है, ठीक है। माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि अगर भगवान ने किसी वजह से तुम्हें पीछे खींच के खड़ा किया है या तुम्हारा कोई पार्ट बर्बाद हुआ है, दैट डजंट मीन कि आप हमेशा के लिए पीछे, फिर से उतरना है मैदान में, फिर आपको अपना 100% देना है और फिर सबके बराबर, इनफैक्ट सबके बराबर भी नहीं, सबसे आगे आगे करना, ठीक है। तो ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए बिकॉज इससे पूछने से कुछ नहीं होगा, इस पे एक्ट करने से कुछ होगा। अब चाहता तो ये लड़का भी आराम से, मेरे ख्याल से तुम्हारे से तो ज्यादा इसकी क्रिटिकल सिचुएशन और जेन्युइन भी है, ये तो बोल सकता था अपने पेरेंट्स को कि अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं कर सकता हूं, मेरे तो भगवान ने ये बीमारी दे दी। नहीं, सब ओवर पास करते हुए नाउ इन अ बेटर सिचुएशन प्लीज। और बिना किसी ड्रामेबाजी के कि मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो, कुछ नहीं है। जो करने वाले होते हैं वो दूसरों को गिनवाते नहीं कि मेरे साथ क्या चल रहा है। I hope this story will be motivational enough for all of you.
टू गेट स्टार्टेड गेट बैक टू योर लाइन या फिर वापस शुरुआत करने के लिए आपके लिए इतनी बहुत होगी. ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच.